वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ जारी है। आए दिन अपराधियों और माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। कहीं तो इतने डर गए हैं कि खुद ही थाने पहुंचकर रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने भी ठान लिया है कि अब बाबा के बुलडोजर से अपराध और अपराधियों का नामो निशान मिटा के रहेंगे। सीएम योगी की शपथ के बाद से बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है और दनादन चल रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के घर पर। शपथ के कुछ ही दिन बाद अब नंबर पूर्व सांसद और अपराधी अतीक अहमद का आ गया है। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने बुलडोजर चला दिया। अतीक ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध बाउंड्री वॉल बनवा ली थी, जिसे सितंबर 2020 में भी गिरा दिया गया था, लेकिन उसे फिर से बनवा लिया गया, जिसे आज फिर गिरा दिया गया। इसके साथ ही अतीक अहमद के सहयोगी खालिद जफर की बीटी में की गई करीब 45 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर भी पीडीए कार्रवाई करेगा। पीडीए के मुताबिक इस संबंध में नगर नियोजन अभियान 1973 की धारा 27(1) के तहत नोटिस और धारा 88 में काम रोकने को जुलाई 2021 में नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ इस वक्त जेल में बंद है। वहीं उसके दो बेटे उमर अतीक और अली अतीक फरार चल रहे हैं। उमर पर एसटीएफ ने 2 लाख का इनाम घोषित किया है, तो वहीं अली अतीक अहमद पर 5 करोड़ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मामले में 25,000 का इनाम घोषित है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।